तीन कैपेसिटर है ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब तीनों की कैपेसिटी सी 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 है, सबसे पहले पैरेलल में जोड़ दिए और फिर सीरीज में। रेशो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटीज इन बोथ द केस विल बी, देखते हैं। तीन कैपेसिटर को सबसे पहले पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला है कैपेसिटर का सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और तीनों की कैपेसिटी सेम थी तो सी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री सी आ गई। सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, एक बट्टे सी वन प्लस एक बट्टे सी टू प्लस एक बट्टे सी थ्री, ये फॉर्मूला है। तो करो तीनों की कैपेसिटी सी, एक बट्टे सी प्लस एक बट्टे सी प्लस एक बट्टे सी, एलसीएम लिया, नेट कितना है भाई सी बाय थ्री, इसका आया सी बाय थ्री। याद रखना रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते थे तो फॉर्मूला था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, लेकिन यहाँ कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एक बट्टे सी वन प्लस एक बट्टे सी टू प्लस एक बट्टे सी थ्री। रजिस्टर और कैपेसिटर के दोनों के फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब रेशो निकालनी भाई, रेशो कौन सी निकालनी है, पैरेलल बटे सीरीज, तो पैरेलल का आंसर था 3C और सीरीज का है C बाय 3, तो इसको कट पीट के क्या नो रेशो एक आएगा भाई।